था जो अभी वो सब कह दिया, जो सुनना था मुझको सुनाई तो दे, मैंने माना बहुत है मोहब्बत तुम्हें, मोहब्बत अगर है सुनो दिखाई तो दे। शाबाश, फिर तुम तैयार हो जाओ हारने। तो तुम्हारी जरूरत होती कैसे? अगर तुम लोग लड़ लो, बल्कि एक काम करो, तुम लोग लड़ लो अच्छी तरह से, यार हम किसी और दिन खेल लें। अब्बा मेरे लिए दुआ करें कि नहीं करें? वो मेरे अब्बा है, मेरे लिए दुआ करेंगे, तुम्हारे लिए किसको सुनने करेंगे? लड़ाकी बिल्लियों, मुझे क्यों अपने मामले में घेर रही हो? अब्बा अब्बा आज ही जीत रही हूँ मैं, लास्ट शॉट मेरा देख ले। क्या बात है तुम्हारी, ये भैया एक ही से, चलो ये लो। Yes, I won again. अब्बा वैसे ज्यादती है, ज्यादती है ये अब्बा। क्या ज्यादती है भाई, मेरे पीछे क्यों पड़ जाते हो? मैंने क्या किया? अब्बा वैसे बहुत बुरी बात है, आप इतने अनफेयर भी हो सकते हैं। भाई पहली बेटी है ना मेरी, इसलिए इसका नाम पहले आ जाता है, बस इतनी सी बात है, इसमें कोई गलती तो नहीं है मेरी? अच्छा बस 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 खत्म करो। वैसे सलमान भाई भी आ रहे हैं, अब्बा बस आप इन्हें निकालें, अब डेट फिक्स करें और शादी करें। नबी चली जाएगी ना, फिर मैं तुमसे पूछता हूँ। फिर वर्दा भाभी आ जाएंगी, तो मुझे तो कोई इशू नहीं है। तुम्हारी भी बहुत जल्दी बारी आने वाली है, और मैं अपनी हाउस जॉब के बगैर कहीं नहीं जाने वाली। हाँ हम देख लेंगे अब्बा, अभी तो आप ये करें। वैसे मुझे पता है आप बहुत अनफेयर है, लेकिन इनकी शादी करवाएं। नहीं मुझे पता है ना क्या होना है। चलो बहुत फजूल बातें हो गई तुम्हारी, आओ। हाँ मेरी कल बहुत लंबी ड्यूटी, मेरे कपड़े निकाल। थैंक यू, मुझे नहीं जाना, उठो। अच्छा कॉफी तो लो। ले रही हूं कॉफी। थैंक यू। सर पे डाल दो तुम्हारे, आओ। अच्छा चल रही हूं, क्या है? हां बोलने लगी हूं मैं तुम। कितनी रौनक है ना इन दोनों से हमारे घर में, चली जाएंगे तो क्या होगा? अच्छा जोरा जमी एक प्याली कहवा पिला दें, सुबह से कह रहा हूं आपसे। Oh yes, sorry, sorry. शुक्र। अभी आया जनाब बेगाना। ऐसा अब्बा, मैंने अभी तक समीरा के रिश्ते के बारे में कोई बात नहीं की है, हालांकि मेरा और वर्धा का निकाह तो महीना हो चुका है। हाँ पता नहीं क्यों नहीं कोई बात की अभी तक उन्होंने। मैं वर्धा से बात करता हूँ। अरे नहीं नहीं हमजा, बिल्कुल भी नहीं, तुम ऐसी कोई बात नहीं करना, ये सारी बातें बड़ों के बीच में हो तो बेहतर होता है। निकाह के लिए भी हमने ही जल्दी की थी, क्योंकि तुमने इमिग्रेशन अप्लाई की हुई थी। इतना पुराना मेरा दोस्त है, कुछ सोच रहा होगा, वैसे भी उसे अभी कारोबार में लॉस हुआ है ना, हो सकता है परेशान हो। वैसे इतनी भी कोई सोचने वाली बात नहीं जिसके लिए इतना टाइम लिया जाए। अब हम कल जा रहे हैं ना खाने पे, तो कल बात कर लीजिएगा। लीजिए आपका कहवा। अरे वाह 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 जोरा जी, ये वही वाला टी सेट है ना जो आरिज हमारे लिए लाया था? ये बात तो मानती हो ना कि बिल्कुल भाइयों की तरह प्यार करता है वो? जी हाँ, वो भूल गए जो आपने किया था उनके दरवाजे में। थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया, आपने अपने अब्बा की जायदाद का आधा हिस्सा उनको दे दिया था। उन्होंने क्या किया? कारोबार, उनका कारोबार खूब चमका, और आपने क्या किया?
नौकरी। इसमें कौन सी बड़ी बात है, उसने मेहनत की है, उसकी किस्मत है, उसने जो कुछ किया उसको मिला माशाल्लाह। अच्छा ले लीजिए। थैंक यू। सलमान कल आ रहा है ना, उससे बात कर लेंगे। हम लोग अभी यही बात कर रहे थे कि कल डिनर पे जाएंगे ना उनके, तो फिर समीरा के रिश्ते के बारे में बात कर लेंगे। और मैंने कहा है कि बात बड़ों के दरमियान होगी, कहा है ना। तुम अपनी बहन की शादी का मुतालबा उनसे करोगे, अच्छा लगेगा क्या? नहीं बेटा नहीं। हेलो। क्या हाल है? लगता है तुम्हें मेरा जरा भी इंतजार नहीं था। कितने फोन किए तुम्हें कल? मैं रात में जल्दी सो गई थी। बंदा एक फोन ही कर सकता है यार, मैंने तो सुना है लोगों की नींदें उड़ जाया करती। सॉरी मैं बहुत हक के सोती हूँ, मेरी नींदें बिल्कुल नहीं उठती। फिर भी बंदा एक फोन तो कर लेता है यार, कुछ बदल दें क्या? मैं ट्रेनिंग पे क्या गया हूँ, तुम तो बिल्कुल बदल ही गई हो। हाँ तो पहले मेरी हाउस जॉब नहीं थी, अब है। अच्छा एनीवे आ रहा हूँ तुम्हें लेने के लिए। अभी इस वक्त 8 बज रहे हैं और मुझे हॉस्पिटल पहुँचना है। तुम आज कहीं नहीं जाओगी, सुना? तुम ऐसा करो सो जाओ, शाम को वैसे भी मिल तो रहे डिनर पे। तुम शाम तक रह लोगी मुझसे मिले बगैर? हाँ क्यों नहीं, तीनों ने गए तो थे ट्रेनिंग पे, तब भी तो रह ली थी मैं। अरे 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 कहाँ जा रही हो? कोई नाज, कोई नखरे, कोई प्यार मोहब्बत, तुम तो कोई फीलिंग्स ही नहीं दिखा रही मुझे। डॉक्टर साहिबा, शादी होनी थी मेरी और आपकी, और निकाह हो गया आपके भाई और मेरी बहन का, और मेरी और आपकी बात जरा भी आगे नहीं बढ़ी। अब रिश्ता लेने मैं तो नहीं आ सकती ना। तुम ना मुर्दे देख देख कर बिल्कुल कोल्ड हो चुकी, क्या ये सब कुछ फेर है मेरे साथ? अच्छा तो क्या फेर? अभी मिलना, इसी वक्त, as in right now? अभी तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, शाम तक का इंतजार करो। मैंने भी तो 3 महीने इंतजार किया है ना। ओके बाय। हेलो क्या आ गए? ये वाला दिखाना जरा, ये ब्लैक एंड बेज। नहीं जाओ प्लीज, रख दो इनको। अरे आई रियली वांट टू वेयर समथिंग वेरी नाइस फॉर टुनाइट्स डिनर। व्हाई डू यू हैव टू ड्रेस अप सो मच? व्हाई नॉट, आई लव ड्रेसिंग अप। हाँ तो डू, बट इतना टेंशन होने की क्या जरूरत है, सारा दिन है तुम्हारे पास। तुमने कौन सा खाना पकाना है? भाभी की तरह वो तो खाना भी खुद पकाती है अपने हाथों से, घर भी ठीक रखती है और फिर दावत भी हो जाती है। भाई तो भी मुझे कोई भी शौक नहीं है कि मैं ज़किया भाभी की तरह बनूं। It's a complicated story even for those of us who are following it every day. So here's a quick rundown. अगर आपकी शादी मुझसे नहीं हुई होती ना, तो आप भी भाई साहब की तरह जॉब कर रहे होते कोई आम सी, और ज़किया भाभी जैसी बीवी होती हैं आपकी जो किचन रन कर रही होती है। I think you have a problem with ज़किया भाभी, no? Why would I have a problem with ज़किया भाभी? वो मेरे टाइप की नहीं है, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है उनसे? माँ जरा बाहर जा रहा हूँ। जानी क्यों जा रहे हो आप अभी, इतने दिन बाद तो रात को आए हो। Come on, let's have tea together. बस यूं गया और यूं आया। कुछ चाहिए तो नहीं आप लोगों को? No, nothing. Just drive safe. कितना handsome है मेरा बेटा, माशाल्लाह। इसके लिए बस इस जैसी gorgeous दुल्हन लेकर आऊंगी। क्या कह रही हैं आप? ठीक तो कह रही हैं। शायद आपकी याददाश्त जो है ना वो कमजोर है, इसीलिए आप ये बात कर रहे हैं। Oh.
ज़किया, अरे इधर देखो ना, क्या है? ये वाले सही है या शलवार कमीज पहनो? ये पहन ले। क्या कर रहे हैं? अरे नाक साफ कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ? इस तरह तो और फैल जाएगा, ना कीजिए। मैं कर दूंगी ना। क्या है? देख रहा हूँ, पाबंदी है कोई? नहीं पाबंदी नहीं है, लेकिन इस वक्त मैं बहुत जरूरी काम कर रही हूँ ना। मैं कर दूँ? आई करी ना, कॉन्सेंट्रेट करने दे। तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक। अच्छा बस कीजिए ना प्लीज। अब तमीरा को फोन कीजिए, उसे कहिए वो डायरेक्टली आरएस के घर आ जाए। मेरे लिए लाई हो? नहीं। फिर किसने दिया? अंकल ने। थैंक यू। पागल हो तुम बिल्कुल ही। हाँ तुमने पागल कर दिया है मुझे। वैसे तुमसे तुम डॉक्टर बनना, तुम्हारा एटीट्यूड कुछ ज्यादा नहीं। अच्छा चलो अब जाओ यहाँ से, ये हॉस्पिटल मेरा देख रहे हो, देखो क्या फर्क पड़ता है। अभी सबको रास्ते में बताता आया हूँ तुमसे कितनी मौत। अच्छा सुनो, मैं वेट कर रहा हूँ, तुम तैयार हो जाओ, मैं तब जस्ट फिनिश अप एंड लेट्स गो। नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। सुनो मैं कुछ नहीं सुनूंगा, ओके? यहीं खड़ा होकर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी करो। कहाँ यार, तो तुम काम करो ना, तुम्हें मैं बैठ के देखता रहूँ। हाँ तुम आ जाओगी, जाओ जाओ। अच्छा गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, सुनो। आपको कहीं पहले भी देखा है? मेरे बेटे हमजा के निकाह पे शायद, वरना मेरी बहू है। अच्छा आप हमजा की मदर हैं? जी जी, हम लोग बहुत पुराने दोस्त हैं। भाभी दोस्त तो मिसेस लोधी भी हमारी बहुत पुरानी है। एंड हु नोस, कल को ये दोस्ती रिश्तेदारी में ही तब्दील हो जाए। तो सब कहीं सलमान की बात पक्की हो जाए ना, तो फिर मुझे सकून आए। पिंकी आओ, कम
आइए आइए ना सलमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? ठीक ठाक। गुड टू सी यू अगेन। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बेटी। गुड टू सी यू अगेन। ठीक ठाक। सलमान। अस्सलाम वालेकुम। कैसे? आइए इधर आइए। मिसेस लोधी से मिलिए। अस्सलाम वालेकुम जी। हाउ आर यू? वालेकुम सलाम। और ये इनकी बेटी है पिंकी। हाय। Hi, how are you? Fine, thanks. Pinky bhi abhi London se aayi. Oh, I see. Mom has been looking forward to you. Design hai kit. So what about you? Jo maine recommend kiya tha usse bhi use kiya. Aunty, aapka dekh. I suppose it was last year. Oh my god. You don't like the contemporary style? It's pretty much contemporary, I suppose. Best season. Yeah, yeah, that is perfect. It's rather warm. How was your trip? It was wonderful. I love London. Me too. Kidhar hai? Javed! Are you? Tum idhar baithi ho? Log tumhe idhar dhoond rahe? Main bas abhi jaati hu. Main bhi dhoond raha hu Javed ko pata nahi kidhar chala gaya. कहाँ माँ बाप को के चले? आप तो बातों में इतने मसरूफ हैं। उनसे बोलो ना घर जाना है। अब तुम यहाँ बैठे हो? चलो खाना लग गया, आ जाओ। हाँ बस अभी आते हैं। और वैसे समीरा आज आप इतनी प्यारी लग रही हैं। हाँ तुम्हारी वजह से ही तैयार हुई हूँ। हॉस्पिटल से घर भागी थी, वहाँ तैयार हुई, फिर यहाँ पे। थैंक यू सो मच, आई एम ग्लैड आज आप तैयार हो गई हैं। आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। आपका सूट बहुत अच्छा है। याद नहीं, हमजा ने तो दिलाया था। क्या हुआ, मूड क्यों ऑफ है? नहीं नहीं, मूड तो बिल्कुल सही है। तुम जाओ, हम जा ढूंढता ढूंढता वरना तुम्हें यहाँ आ जाएगा। जाओ उसके पास। वैसे कुछ लोग आपको भी ढूंढ रहे हैं। हमजा अभी आप घर नहीं जा रहे? अभी टाइम ही क्या हुआ है, इतना लेट नहीं हुआ देखें। Come on. थोड़ी देर रुक जाए ना, please. अच्छा, fine. If you say so. Thank you. मुझे आपको पता है, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आता। पहले तो आप मुझसे ठीक से बात भी नहीं करते थे, और अब देखें। बस ये क्या है? अरे तो सारी बातें कहने की थोड़ी होती हैं। पर चलो, अगर मुझे कहना ही हो तो हाँ, होने लगी तुमसे मोहब्बत वगैरह वगैरह। जब मुझे तुम दिखती हो तो सिर्फ तुम ही दिखती हो, जब मेरी नज़रों के सामने तुम होती हो तो सब कुछ ओझल सा हो जाता है। मोहब्बत वगैरह वगैरह, सीरियसली? लगता है ना हमारी अरेंज मैरिज ही हुई है। सच कहूँ तो निकाह की फौरन बाद हमारी रुखसती भी हो जानी चाहिए थी। ठीक बात किया। वो कहाँ गए महमूद अंकल और आंटी, नजर नहीं आ रहे? वो समीरा को सुबह हॉस्पिटल जल्दी जाना था तो इसलिए वो लोग चले गए। खाना वगैरह खाया उन लोगों ने? हाँ हाँ, सही तरह से। अरे समीरा, सलमान के साथ वहाँ नहीं आना चाहिए था ना तुम? I'm sorry अब्बा, मुझे अंदाजा है। वो असल में अचानक आ गया था, मैं कंफ्यूज हो गई थी। बहुत अकलमंद है हमारी बेटी, अपनी बाप के बात के अलावा और किसी की बात नहीं सुनती। हाँ, सॉरी भी सिर्फ अपने अब्बा को कहती। मैं तो सुने जा रही हूँ, मुझे नहीं सुनना ये भाषण। पिंकी, अरे तुम पी लो, बल्कि दे दो।
थैंक यू। जक्को ये चली जाएगी तो मैं क्या करूंगा? जाएगी तब ना जब सलमान के माँ बाप बात आगे बढ़ाएंगे। आपने भाभी के तेवर देखे थे? वो तो ऐसे ऐसे प्रिटेंड कर रही थी जैसे हम वहां है ही नहीं। हमजा पे तो कब्जा जमा लिया है, वो और क्या चाहिए उन्हें? आप क्या सोच रहे हैं? मैं सोच रहा हूं कि कैसे करूं, क्या कहूं उनसे। महमूद वो बहुत कारोबारी जहन के लोग हैं। हम कौन हैं और वो हमें क्या समझते हैं, आज सब कुछ दिख गया हमें। खैर जको तुम कुछ ज्यादा ही सोचती हो। आखिर उसकी बेटी हमारे घर ब्याह घर आ रही है, हमारी बहू बन रही है, मेरा जिगरी दोस्त है। वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा जिससे हमें दुख हो, रंज हो। यार ये मेरे और तुम्हारे दरमियान मुनासिब ना मुनासिब कब से आना शुरू हो गया? बात है। I can't help it. That's how things are. I'll talk to you later. जानी वो मिसेस बाकर है ना? I think she really liked you very very much. उन्होंने तो right away तुम्हारे लिए डिनर भी अरेंज कर दिया। अपनी बेटी से इंट्रोड्यूस करवाना चाहती होंगी आई एम श्योर। मुझसे बात करो, क्या बात है? अम्मा से क्या बोल रही हो? तो फिर सुनो, सलमान भाई को तुम भूल जाओ। हाय। ठीक है। कहाँ था वो? कल रात से तुम्हें ढूंढ रहा। अच्छा। क्या अच्छा? लगता तो नहीं है। काफी मसरूफ थे, आसपास हमारी लड़कियां मंडला रही। बुरा लगा तो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। तुम्हें अगर ना देखूं तो नहीं रह जाता यार। Why are you being difficult यार? मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो। किस खुशी में? मैं खुद भी जा सकती हूँ। ओह, अब अचानक मैं गैर हो गया हूँ। जो भी हो, लेकिन अब्बा ने मुझे कुछ ज्यादा कहा नहीं और उनको वैसे अच्छा नहीं लगा था कि हम दोनों दावत में एक साथ आए। अच्छा भाई, मुझे क्या करना पड़ेगा कि उनको अच्छा लगे? अब ये भी मैं ही बताऊं तुम्हें? क्या करूं, घर चला जाऊं? हाँ, क्योंकि मैं इस तरह रोज रोज तुम्हारे साथ आ जा नहीं सकती। हम लाके एक दूसरे को जानते हो, लेकिन वक्त बहुत आगे बढ़ चुका है। वर्दा और हमजा का निकाह हो चुका है, हमारी बात कोई आगे बढ़ ही नहीं रही। तुम्हारी अम्मी मुझे पसंद ही नहीं करती है। क्या, ये कैसे कह सकती हो तुम? कुछ बातें कही नहीं जाती, समझी जाती है, महसूस की जाती है। और तुम्हारी अम्मी का रवैया, उसे सब कुछ साफ साफ जाहिर होता है। वो तुम्हारी बात को सीरियसली ले ही नहीं रही है। तुमने मुझसे कहा कि वर्दा हमजा को पसंद करती है। मैंने अब्बा से कहा और अब्बा ने उनका निकाह करवा दिया। और हम दोनों 4 साल से एक साथ हैं सलमान, किसी को ये नजर नहीं आ रहा। भरोसा नहीं है तुम्हें? क्या हो गया है? लेकिन अगर तुमने उनसे बात की है तो फिर वहां से कोई बात आगे हो ही क्यों नहीं रही है? सलमान कौन नहीं जानता कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। आंटी को मैं शुरू से ही पसंद नहीं। यार ऐसा कुछ नहीं है, वहम है तुम्हारा। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था ना, तो आगे भी चलेगा यार। अचानक तुम्हें प्रॉब्लम कहां से आ गई? अपनी अम्मी से पूछो प्लीज। यानी तो मेरे साथ नहीं चल रहे? अभी यही मुनासिब है। यार ये मेरे और तुम्हारे दरमियान मुनासिब ना मुनासिब कब से आना शुरू हो गया? अब आ गए। आई कांट हेल्प इट, दैट्स हाउ थिंग्स आर। तुमने कहना था जो भी वो सब कह दिया, जो सुनना था मुझको
सुनाई तो दे। कॉफी पियेंगे? नहीं। क्या हुआ है? Is everything okay? नहीं, एक प्रॉब्लम है जिसका हल भी नहीं समझ आ रहा। पता नहीं समीरा इतनी ऑफ क्यों है? कोई बात हुई है तुम्हारी उससे? नहीं, मेरी तो कोई बात नहीं हुई। टाइम निकाला करो ना उसके लिए। आखिर तुम्हारी नंद है और दोस्त भी और होने वाली भाभी भी। अपने भाई की दो तारीफें ही कर दिया करो उसके सामने। अच्छा जी, अच्छा कर दूंगी। ये बताएं, आपने नोटिस किया था कि डिनर पे वो बहुत ऑफ सी थी? यही तो बात तुमसे करना चाह रहा था। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। आए तो बिल्कुल खुश-खुश थे और फिर पता नहीं वो गायब हो गई। मैं फोन मिलाती हूँ, आपकी बात कराती हूँ, फिर देखते हैं कि क्या हुआ है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जानिए, आप इतनी देर से सो के उठते हो, आपके बाबा इंतजार कर कर के चले गए आपका। मैम मुझे कॉफी पिलवा दें। ओके सुबिया, वरदा बाजी की कॉफी तो बनाओ। तारिक प्लीज मुझे फ्रिज से ठंडा पानी ला के दो, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। ग्लास देना। सलमान बेटे, अब वरदा की शादी तय हो रही है तो अच्छा है ना आपके होते हुए हो जाए। फिर बाद में कोई लंबी फ्लाइट आ जाएगी तो मसला हो जाएगा। जी मैम। जानी वो मिसेस बाकर है ना, आई थिंक शी रियली लाइक्ड यू वेरी वेरी मच। उन्होंने तो राइट अवे तुम्हारे लिए डिनर भी अरेंज कर दिया। अपनी बेटी से इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ। आई एम श्योर। माँ आप जानती हैं मैं समीरा से शादी करना चाहती हूँ। यू वेस्टिंग योर टाइम। बेटा मुझे बहुत वहम होता है, एक ही घर में दोनों बच्चों की शादी, अगर किसी एक के घर में प्रॉब्लम हो तो दूसरा खाम खाम में फंस जाए। माँ कैसी बातें कर रही हैं? ठीक बात कर रही हूँ मैं, और अब तो आपके बाबा भी अंडरस्टैंड करने लगे। माँ आप जानती भी हैं कि मैं और समीरा कब से एक दूसरे को पसंद करते हैं, कब से शादी के ख्वाहिशमंद है, फिर भी ये कह रही हैं आप। और क्या भूल रही हैं, मेरी वजह से समीरा के घर वालों ने उसके कई रिश्ते की बात भी नहीं की, उल्टा इतने शरीफ हैं कि हमजा और वरदा का निकाह करा दिया। तो कौन सा एहसान कर दिया है जानी, वरदा इतनी प्यारी बच्ची है, कौन नहीं उसका रिश्ता करना चाहेगा। और मुझे तो लगता है कि हम उनको फेवर कर रहे हैं कि हमने हमजा से उसका रिश्ता कर दिया है। ये जो आप करना चाह रही है ना, ये ठीक नहीं है। जानी मैं जो भी करना चाह रही हूँ आप सबकी बेहतरी के लिए करना चाह रही हूँ। अचानक वो क्या कहें आप लोगों को, ये तो वादा खिलाफी हुई ना। वादा आपने किया था सलमान, हमने तो नहीं किया था। ग्रेट। सुन रही हो तुम ना, सुन रही हो क्या कह रही है? एक बात गौर से सुन लो तुम, अगर मेरे और समीरा की शादी ना हुई ना तो तुम्हारा भी रिश्ता टूट जाएगा। ऐसी बात नहीं है भाई, माँ सिर्फ एक ही घर में दो शादियों के खिलाफ हैं और कोई बात नहीं है। What? मतलब ये सारी बातें तुम लोग पहले ही कर चुके हो और मुझे सिर्फ बता रहे हो? ग्रेट, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। सुन ले आप लोग, मेरी शादी समीरा से ही होगी, बता रहा हूं आप लोगों को। जानी अपने भाई का एटीट्यूड देख रही हो? माँ भाई समीरा को कमिट कर चुके हैं और हमजा भी तो यही चाहते हैं ना। इस वक्त आप रिश्ता लेके नहीं गई तो ये ना हो कि हमजा भी मना कर दे। कहाँ का असूल है, जिस घर में बेटी दो वहां से बेटी लो भी, और बाद में जो कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं वो। माँ बात को समझने की कोशिश करें, हमजा समीरा के बारे में बहुत पजेसिव है, वो उसके साथ ये ज्यादती कभी नहीं होने देगा। ठीक है फिर चूज कर ले, पाबंद वो लोग हैं, हम लोग नहीं है। मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? इस वक्त डेट फिक्स होने वाली है, सारी तैयारियां हो गई हैं, क्या आपको मेरी कोई फिक्र नहीं है? कैसी बातें कर रही हो डार्लिंग, आप लोगों की तो फिक्र है, आप लोगों की दोनों की वजह से तो कर रही हूँ ये, और आप लोग अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे हो।
आपको ही जल्दी थी ना रिश्ता करवाने की, और वर्दा की तो उन्होंने फौरन बात तय कर दी, जबकि हर कोई जानता है सलमान भाई और आप ही कब से एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं। नसरीन आ जाओ, जरा झाड़ पोंछ छोड़ दो, जरा ये ले जाओ, अब तुम बनाओ, थक गई, सब्जी भी मैं बनाऊं, बस कर दो। अम्मा क्यों बस करूं, हमारी बहन के मुफ्त की है। मुझे इन लोगों की नीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही, मुझे नहीं लगता कि वो आप ही की शादी भी करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। कौन किसकी शादी नहीं करवा रहा है, क्या बातें हो रही हैं? कुछ नहीं, तुम बताओ कैसा दिन गुजरा तुम्हारा? नॉट बैड। क्या हुआ अम्मा, मुंह क्यों बनाया, कोई टेंशन है आपको? मेरे सारे अंदेशों को जुबान देती है ये लड़की, बोले चली जाती है, चुप ही नहीं होती, जो मुंह में आता है बोल देती है। मुझसे बात करो, क्या बात है, अम्मा से क्या बोल रही हो? तो फिर सुनो, सलमान भाई को तुम भूल जाओ, लोगों के तेवर मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगते। बस करो अम्मा, प्लीज आप मुझे बोलने दे। अच्छा मुझे पानी तो पिला दो। पता है सलमान भाई की गेम ही कुछ और है, उनकी अम्मा सलमान भाई के लिए रिश्ते ढूंढ रही हैं। उस दिन तो दावत पे जो हमारी पड़ोसन है ना, उनसे भी कहा था कि सलमान के लिए रिश्ते ढूंढो, और वो जो क्या नाम है उनका, वो मिसेस लोधी की बेटी से तो ऐसे बात कर रही थी जैसे शादी करवा के ही छोड़ेंगे। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं कहा सलमान ने। सब हमारा कसूर है, इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे, हम ही ने रोक दिए। उस वर्दा को देखो, पहले तो बहुत भाभी भाभी करती थी, और अब जब हमने उसे बहू बना लिए तो खामोश है। आप लोग पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हमजा की शादी इतनी करीब है और उस पर ऐसी बातें करना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। नसरीन प्लीज मेरा फोन ले, बाहर रखा है। तुम तो अपनी माँ को जानते हो, जो उसके मुंह में आता है वो बोल देती है। सर हैड इनफ, वेट, आप मेरी बात सुनो, इधर आओ। देखो ये मामला जो है ना बेटा, ये जज्बात से सेटल नहीं होते, ये बैठ के सुकून से इसको डिसाइड करना होता है। बाखुदा समीरा और वर्दा मेरे लिए बिल्कुल एक बराबर है। रियली अगर ऐसा होता ना तो ये सब कुछ ना हो रहा। अच्छी तरह जानते हैं आप लोग, 4 साल से मैं समीरा में इंटरेस्टेड हूँ। हाँ बेटा है, बस ऐन मौके पे सभी अनजान बन गए। क्या हुआ, घर छोड़ के जा रहे हो आप? उस लड़की के लिए फैमिली को छोड़ दोगे अपनी? तुम्हें इसकी बात सुननी चाहिए, कैसे अचानक अपने दिल से समीरा का ख्याल निकाल देगी? यू मैन रियली नीड टू अंडरस्टैंड, हमारी एक ही बेटी है और ये वट्टा शट्टा, आई डोंट बिलीव इन ऑल ऑफ दिस। तो फिर आपको हमजा और वर्दा का रिश्ता कबूल नहीं करना चाहिए, उनके दरमियान तो कोई इतनी खास बात भी नहीं थी। चानिया आप इतने सेल्फिश क्यों हो? एक ही बहन है आपकी और आपको अपनी पड़ी है, इतनी ऑकवर्ड चीजें कर रहे हो आप हमारे लिए। अब वो लोग तारीख लेने आ रहे हैं और आप अपनी बातें किए जा रहे हो। यानी आप लोग समीरा का रिश्ता लेने नहीं चाहेंगे? जानी प्लीज पहले बहन की तारीख तय हो लेने देना। देखो बेटा, पहले एक फर्ज निभा लें फिर उस पर बात करेंगे। देखो समीरा कोई बाहर की तो नहीं है, घर की बच्ची है ना, उसने किधर चले जाना। महमूद का फोन है। हेलो, हाँ हाँ, अरे यार तुम्हारा अपना घर है, पूछने की क्या जरूरत है? ठीक है, ओके डन।
कल शाम को आ रहे हैं वो लोग। भाई तो अपनी बहनों पर कुर्बान हो जाते हैं। जानी आप कैसे भाई हो, आपकी तो एक ही बहन। How sad is this? बात कुर्बानी की है ही नहीं। आप लोग जानते हैं कि कब से मैं और समीरा एक दूसरे को चाहते हैं, और फिर उसमें बुराई क्या है? हाँ, प्यारी है, डॉक्टर है, हमारी जानने वाली है, और सबसे बढ़कर मुझे बहुत पसंद है। देखो, कोई किसी पर कुर्बान नहीं होगा। मैं बेटा यहाँ पे हूं ना, डोंट वरी अबाउट इट, वी विल हैंडल दिस, वी विल सेटल इट। ठीक है, नहीं जाता फिलहाल। Why don't you understand? क्यों टेंशन क्यों फैला रही हो तुम? Come on, Ares, I'm already very tired. Please, I need a cup of coffee or something. I'll make you a cup of coffee, but please relax, okay? कल भाई की डेट फिक्स करने जा रहे हैं। क्या हुआ? उदास क्यों लग रही हैं? नहीं, ठीक हूँ मैं। क्या मतलब ठीक है? किसी ने कुछ कहा है आपसे? या सलमान भाई का मूड नहीं है रिश्ता लाने का? वो ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे सब कुछ गलत लग रहा है। वो भी मजबूर है जैसे मैं मजबूर हूँ। बहुत मुश्किल फैसला है ये। लेकिन इस मुश्किल फैसले का कोई तो जवाब होगा ना? कोई जवाब नहीं है। हमजा की शादी होने वाली है और इस तरह मैं अपनी बात किस तरह शुरू कर दूं? क्या मतलब है आप ही? लेकिन आप दोनों तो एक दूसरे को कब से पसंद करते हैं? रिश्ते के सामने मोहब्बत की कोई अहमियत नहीं होती, और सलमा आंटी रिश्ता कभी नहीं होने देंगी, इतना मैं भी उनको जानती हूँ। लेकिन भाई भी ऐसा कभी नहीं होने देंगे। ऐसे तो मत बोलो, मैं अपने भाई को बहुत खुश देखना चाहती हूँ, और हमजा को इस बात का बिल्कुल नहीं पता लगना चाहिए। प्रॉमिस करो मुझसे कि हमजा को तुम कुछ नहीं बताओगी, हमें उसकी खुशी में खुश होना चाहिए। ये बहुत गलत है आप ही, ये जुल्म है। और तुम चाहती हो कि ये जुल्म अपने भाई के साथ भी हम करें? तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? शॉपिंग के लिए नहीं चलना? तैयार हो जाओ। हाँ बस, तुम चलो, हम आ रहे हैं। भी चलते हैं, आज ऑफ ले ली थी। नहीं हमजा, मेरे एक पेशेंट की हालत बहुत बुरी है, तो मैं नहीं कर सकती। हाँ ठीक है भाई, वैसे भी सिर्फ बात करने ही जा रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, कितनी प्यारी लग रही, माशाल्लाह। जीती रहो बेटे। भाई अगर बच्चियां भी आ जाती तो कितना अच्छा होता। असल में भाई साहब उसे छुट्टी नहीं मिली, आपको पता है जब बच्चियां डॉक्टर बन जाती हैं तो कितना मसला होता है। बहुत शुक्रिया भाई, आप चाय लेंगे? भाई साहब आप चाय लेंगे? पाकिस्तान में डॉक्टर को छुट्टी नहीं मिलती, शुक्र करो कि तुम डॉक्टर नहीं बने। डॉक्टर बन जाते तो ये पता नहीं क्या करते हैं हमारे साथ हैं। थैंक यू भाभी, आप ये लीजिए ना सैंडविचेस, आपके लिए खास तौर पे बनाए। अरे देखिए तो ये मैं गुलाब जामुन खा रही हूँ, बहुत मजे का है। आपने ऐसे ही तकल्लुफ की, इतनी चीजें बनवा ली आपने। नहीं नहीं, तकल्लुफ की इसमें क्या बात है, हमारी वर्दा तो बिल्कुल आप पर गई है। ये बना लूं, वो बना लूं, ससुराल का कुछ खमीर आ गया है इनमें। मैं आपकी ग्रीन टी लेके आऊंगा। जी जानी प्लीज। क्या मतलब? मतलब ये कि शादी से पहले ही कुछ ससुराल की आदत आ गई है हमारी बर्दा में। इंटरेस्टिंग, तभी हमारी समीरा को किचन नहीं पसंद है।
तो फिर क्या डिसाइड कर रहे हैं हम, क्या डेट होगी फिर? बस गर्मियों में मत प्लीज रखिएगा, क्योंकि कपड़े पहने ही नहीं जाते, और सर्दियों में भी नहीं, क्योंकि बहुत सारे कपड़े पहनने पड़ जाते हैं। वैसे भी इनके कुछ दोस्त भी आ रहे हैं ना बाहर से, तो इट्स बेटर इफ इट्स नॉट सो कॉल्ड। वाकई क्यों यहाँ आ रहे हैं? ऐसे आपने सलमान और समीरा के रिश्ते के बारे में क्या सोचा है? हाँ बेटा, मैं इस मौजू पर बात करने ही वाला था, लेकिन हमने सोचा कि पहले तुम्हारी और वरदा की तारीख पक्की हो जाए, तो उसके बाद हम सलमान और समीरा की बात करेंगे, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। हैं बेटा, आरिस बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये तुम इस वक्त क्या बातें लेकर बैठ गए? पहले एक बात तय कर लेते हैं, ये कौन सा वक्त है ऐसी बातों का? यही वक्त इन बातों का अब्बा। अंकल, मैं समीरा का बड़ा भाई हूं, मुझे अपनी बहन की खुशी अपनी खुशी से ज्यादा अजीज है। वो तो ठीक है, लेकिन आपका और वरदा का निकाह तो पहले से हो चुका है ना? हाँ बिल्कुल आंटी, बिल्कुल हमारा तो निकाह हो चुका है, यही मैं कहना चाह रहा हूं, मगर उसके बावजूद सलमान और समीरा की कोई बात तक नहीं हुई है। मैंने कह दिया जो मुझे कहना था, यही मेरा फैसला है। हमें चलना चाहिए, वापसी पे समीरा को भी पिक करना है। देखो बेटा, ऐसे मामलात जो है ना वो जल्दी से हल नहीं किए जा सकते, इस पे बैठ के इत्मीनान से बात करनी होगी। यार तुम समझाओ ऐसे। बेटा मुझे बात करने दो, हम हैं ना फैसले करने के लिए, सब हमारे बच्चे हैं, तुम्हें फिक्र नहीं करनी चाहिए, किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। ज्यादती तो हो रही है ना अब्बा, मेरा ख्याल है कि हमें चलना चाहिए, जब ये लोग आएंगे समीरा के लिए तब हम तारीख तय कर लेंगे। चले अम्मा।